my channel. It's me, Shruti Mishra. Video ko start karne se pehle, if you're new to my channel, don't forget to press that subscribe button. Aur just bagal mein laga hai bell button, usko bhi bilkul press kar dijiyega. Review hone wala hai ek moisturizer ke baare mein. And guys, ye hai hamara VLCC ka Red Bearberry and Passion Fruit All Purpose Moisturizing Cream. And guys, ye hai hamari ek tarike ki mixed fruit cream, jo ki face ko moisturize karne mein help karti hai. Mana ki oily skin ke liye ye thodi si heavy ho jayegi, lekin combination skin ya fir dry skin ke liye perfect hai, ya fir aap apni body pe isko lagana chahte hain to ye aapke liye perfect hai. Agar baat kare price ki to guys ye milti hai kafi affordable price mein, aur ye hai 150 gram ka tub aur iska price hai 99 rupees aur shelf life iski 3 years ki hai aur ye aapko after discount 60-70 rupees ka mein mil jayegi. Agar baat kare packaging ki guys to ye is tarike ke tub mein aati hai. Tub kafi bahar se acha hai, product ki puri detail mention ki gayi, but andar se utna hi messy hai. Aap dekh sakte ho thoda sa maine kar bhi diya hai messy, lekin ye thoda sa मेसी टाइप का है जी की गाइस. तो ये बहुत ज्यादा भी मतलब कि बहुत ज्यादा भी थिक नहीं है और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है. मीडियम कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा पिंकिश टाइप का मॉइस्चराइजर है. बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है ये. थोड़ा सा ये आपको ड्यूई टाइप की फिनिश देगा, बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होगा. स्मेल कुछ फ्लावरी टाइप की इससे आती है. अगर बात करें इंग्रेडिएंट की, इसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट मिक्स किए गए, हर्बल इंग्रेडिएंट भी है, साथ ही साथ थोड़े केमिकल भी है, लेकिन ये पैराबेन फ्री है, कोई सिलिकॉन नहीं है और कोई पैराबेन नहीं है, तो ये इसका प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं. अगर बात करें कि प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है, अ लाइट क्विक एब्जॉर्बिंग नॉन ग्रीसी क्रीम दैट कीप्स योर स्किन नरिश्ड एंड सपल, पैशन फ्रूट रिच इन विटामिन ए एंड एंटीऑक्सीडेंट, रिमूव स्किन डैमेजिंग फ्री रेडिकल्स एंड स्टिमुलेट सेल रिन्यूअल, व्हाइल रेड बेरबेरी लाइटन स्किन टेक्सचर बाय रिड्यूसिंग पिगमेंटेशन एंड ब्लेमिशेस टू लीव योर स्किन वेल नरिश्ड स्मूथ एंड हेल्दी. सो गाइज, ये क्लेम करती है कि ये आपके स्किन को हाइड्रेट करेगी एंड ब्लेमिशेस पे भी वर्क करेगी और आपके कॉम्प्लेक्शन को लाइट करेगी, जो कि इस प्रोडक्ट के क्लेम है. बात करें इसके फर्स्ट क्लेम की, नॉन ग्रीसी फिनिश, तो गाइज इसकी फिनिश बिल्कुल नॉन ग्रीसी नहीं है. थोड़ी सी ये ग्रीसी फिनिश देता है, थोड़ा सा ये हैवी मॉइस्चराइजर. मुझे इसकी बिल्कुल नॉन ग्रीसी फिनिश कहीं से भी नहीं लगी. थोड़ा सा ये ऑयली टाइप का लुक आपको देता है, इसीलिए ये डे क्रीम से ज़्यादा नाइट क्रीम के लिए परफेक्ट है, क्योंकि नाइट पे इस तरीके की क्रीम सही रहती हैं एक हद तक का, जब ये आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है, ताकि रात भर आपकी स्किन में जो सेल रिन्यू हो रहे हैं उसमें ये हेल्प करे और फेस को ग्लोई इफेक्ट दे नेक्स्ट मॉर्निंग. अगर बात करें ब्लेमिशेस एंड पिगमेंटेशन पे, तो गाइज ये मुझे उतना कोई वर्किंग नहीं लगी पिगमेंटेशन एंड ब्लेमिशेस पर, मतलब ये उतना अच्छे से वर्क नहीं करती. बट हाँ, ये अगर आप इसको नाइट पे लगाते हो तो ये आपको मॉर्निंग में एक ग्लोई इफेक्ट देगी. इसने कहा लाइट एंड स्किन, तो गाइज अगर बात करें लाइट एंड स्किन की, तो ये स्किन को तभी लाइट करेगा अगर आपकी स्किन ड्राई हो गई है, बेजान हो गई है, कोई भी उसमें ग्लो नहीं है, मतलब कि कुछ भी उसमें हाइड्रेशन टाइप की नहीं है, तो आप इस क्रीम को लगाओगे तो डेफिनेटली आपका स्किन टोन लाइट होगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, जिसकी वजह से स्किन ग्लोई लगेगी और थोड़ी सी लाइट लगेगी. बट अगर बात करें ऑयली स्किन वालों के लिए, तो गाइज ये ऑयली स्किन वालों पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, उनके लिए हैवी हो जाएगी. हो सकता है कि अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो ये आपको एक्ने भी दे दे. तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन वालों को. ड्राई स्किन वाले डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं, क्वान्टिटी को थोड़ा कम और ज़्यादा करके, जिस तरीके की आपकी ड्राई स्किन है, तो ये आप पे बहुत अच्छे से वर्क करेगी. और इसको डे की जगह आप नाइट में यूज करें तो इसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा. ये नाइट क्रीम की तरीके भी आप इसको यूज कर सकते हैं. सो गाइज, ये था मेरा छोटा सा हॉनेस्ट रिव्यू VLCC रेड बेरीबेरी एंड पैशन फ्रूट क्रीम के बारे में. आई होप आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. जिस बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट. एंड कोई क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू आप चाहते हैं तो डेफिनेटली बता सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में. चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर.